चारों तरफ फटाके फोड़े जा रहे हैं वो किस खुशी में, क्योंकि फाइनली इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। आज मैच था इंडिया और साउथ अफ्रीका का, और रात के 11:30 बजे 11:32 हो रखी है, इंडिया जीत चुकी है। जयपुर में फटाके वगैरह फोड़े जा रहे हैं, वही खतरनाक। हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। भगवान जी का आशीर्वाद लेके माता रानी का, और अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी मैं बैठ के थोड़ा फ़ोन में लगा हुआ था, थोड़ा पढ़ने का भी काम शुरू करने वाला ही था। इतने में जयपुर में आज इतनी भयंकर बारिश स्टार्ट हुई है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको दिखाई देता हूँ डायरेक्टली। सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है इस गेट के, इधर से बारिश का वो फ्लो इधर था, मेरे रूम में पानी आ गया। अरे फोकस क्यों नहीं कर रहा। हाँ, इस गेट के नीचे से मेरे रूम में पानी आ गया। फटाफट से मैंने अपने जो गद्दा वद्दा था उनको उठा के साइड में रखा। अभी तो मैंने पूरा रूम एडजस्ट भी नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो रखा था। वो क्यों हो रखा था वो भी आपको शायद इससे पहले वाले ब्लॉग में या इसके बाद वाले ब्लॉग में पता लग जाएगा। लेकिन अब मैं आपको दिखा देता हूँ बारिश कैसी हो रखी है जयपुर में। ये देखो भाई कैसे भीगता भीगता जा रहा है, बैग कॉपी किताबें हाथ में लेके, और पानी देखना कितना तेज फ्लो आ रहा है पानी को, पूरी रोड पानी से भर गई है। जहाँ तक देखो कि वहाँ तक पानी पानी। उधर से तो ज़्यादा नहीं दिखा, एक बार इस साइड से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखना अभी तो फिर भी कम हो गई है, वरना भयंकर भयंकर बारिश हुई, भयंकर। देखना सब नहाने धोने में लगे मैं बारिश में, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ हो रही थी ना उस सत पर भी। देखो भैया, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ हो रही थी कि सबके सब लोग परेशान हो रखे थे। हालांकि अब तो कम पड़ चुकी है, देख रहे बच्चे अब भी नहा रहे हैं। और अभी अपने पास वाले रूम में एक भाई रहता है, इधर इधर वाले रूम में, वो ऊपर छत पे जाके नहा रहा है। वो अभी मेरे को बोल रहा था शुभम भैया आप भी आ जाओ नहा लेते हैं। मैंने कहा यार रहने दे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, कपड़े वपड़े भीग जाएंगे दोबारा नहाने की। मैं सुबह नहा लिया था इसलिए मैंने कहा, वरना वो भी छत पे चढ़े हुए हैं। अभी दिखाता हूँ अगर आपको वो दिखेगा तो। मेरा मन नहीं कर रहा उधर जाने का, क्योंकि उधर आगे जाते बारिश से मैं भीग जाऊँगा यार। ये देखो इधर चढ़ा हुआ ऊपर, तगड़ी बारिश हुई है यार, तगड़ी ना। इधर पानी भर के रोड की पूरा ओवरलैप हो चुकी है, रोड पूरी भर चुकी है, और वापस बारिश तेज हो गई है। भाई भीगते हुए जा रहे हैं अपने, ये वाली गाड़ी देखो कितनी डूब गई बारिश में। शाम के टाइम हो रखा है, शाम के 5:30 हो रखी है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी घर पे बात हुई थी गांव में, तो क्या तो गांव में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। और फिर मेरे को ऐसा थोड़ा सा मन सा हो रहा था, भूख लग ली थी, मन सा क्या हो रहा था क्योंकि भूख लग ली थी, तो सोच रहा था कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं बाहर जाके, कुछ खाने का देखते हैं। इतने में तो भयंकर बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी देखना पूरी रोड ओवरफ्लो हो चुकी है, और ये गाड़ी देखना कितनी डूब चुकी है। और इधर भैया की उसकी बाइक खराब, भैया इसको घसीटते घसीटते लेके जा रहे हैं। तो लोग कितने खुश हैं यार बारिश में नाना के, बचपन के दिन याद आ गए इनको देख के। तो बारिश तो गई है रुक, अभी मेरे को भूख लग रही थी तो सोचा बाहर चलते हैं कुछ खाने का ले आते हैं, दूध छाछ वगैरह भी ले आते हैं, खाना खा लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम क्या हो गया 6:30 हो रही है शाम की। लेकिन जब बाहर निकल के देखा तो पता लगा कि बाहर जाएंगे किधर, क्योंकि बारिश तो रुक गई है, लेकिन इधर गेट के बाहर ऐसा पूरा पूरी रोड पे आगे तक पानी भरा है। अब अगर इधर से निकलेंगे तो उधर कैसे जाएंगे, रोड के बीच में तो फिर भी सूख गया, क्या करें। वहाँ से तो फिर भी थोड़ा सा निकल सकते हैं, वरना तो पानी के अंदर से चपाक चपाक करते हुए जाना पड़ेगा। भीगते तैरते बचते बचते मैं आ गया कुछ दूध वगैरह लेने के लिए, और कुछ खाने का भी लेने के लिए, तो वो लेते हैं क्योंकि रोड पे हर जगह पानी भरा और भूख मेरे को भयंकर लगी हुई थी। छाछ में मार्केट से लिया है, इसमें जीरा नमक डाल लिया, रोटी है और प्याज छाछ रोटी ये खाऊँगा एकदम देसी खाना, क्योंकि यार सब्ज़ी मेरे से इतनी बनती नहीं है इसलिए मैं उस लपड़े में पड़ता ही नहीं, तो कभी कभार कोई बाई चांस बना लेता हूँ, बाकी मेरे से सब्ज़ी नहीं बनती। ये लेके आऊँ, और थोड़ा सा कुछ मीठा वीठा खाने का मन हो रहा था वो भी कुछ लेके आऊँ, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। पहले ये खा लूँ, वो मैंने इसलिए नहीं छेड़ी क्योंकि पहले वो खा लेता फिर मेरे खाने रोटी की भूख खत्म हो जाती, इसलिए सोचा पहले खाना खाएंगे उसके बाद में कुछ खाने के बाद में कुछ मीठा खाएंगे। अभी खाना तो मैंने खा लिया है,
लेकिन अब बारी अपन कुछ मीठा खाने के लिए लेके आए थे, उसकी एक पीस तो मैं खा भी चुका हूँ। मैं लेके आया हूँ ये वाले, हमारे इधर तो इनको पेठे वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं, आप तो उधर क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं तब तक ये निपटा देता हूँ। आप भी खाओगे? खोलो खोलो मुँह खोलो, मैं खा लेता हूँ आपकी सीधा। मैं बैठ के अपना थोड़ा काम कर रहा था तो अंदर तो रूम में तो और की है बड़ी उमस सी, क्योंकि बाहर तो बारिश हो गई लेकिन अभी रूम वगैरह दीवार इतनी ठंडी हुई नहीं है, तो अंदर तो बड़ी चिपचिप सी हुई पड़ी है। ऐसे अब उमस नहीं हो जाता, स्किन ऐसे पसीना पसीना चिपचिप सा। अभी आज रात तक ठीक हो जाएगा और एक बार बाहर का माहौल दिखाता हूँ। अभी रात का टाइम हो रहा है, कितनी बज रही है, रात के 8:30 हो रही है और ऐसा कुछ माहौल है बाहर का, तो दुकानें वगैरह बंद होना शुरू हो गई है और पानी है, बारिश हुई तो पूरी रोड भीग गई थी। तो आज पहली बारिश ढंग से हुई है तो इतना पानी तो ज़मीन ही सोख लिया है, तो देखना ऑलमोस्ट पानी सूख चुका है, वो थोड़ा बहुत बचा है। रात के 11:30 बज रही है इधर हो अल्लाह, और ये देख रहे हो आप, चारों तरफ फटाके फोड़े जा रहे हैं, वो किसकी खुशी में, क्योंकि फाइनली इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। आज मैच था इंडिया और साउथ अफ्रीका का और रात के 11:30 बजे 11:32 हो रखी है, इंडिया जीत चुकी है। जयपुर में फटाके वगैरह फोड़े जा रहे हैं, वही खतरनाक है। चारों तरफ पीछे वाली गली में भी फटाके